बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रॉम दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इस वाली वीडियो में वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। इसमें जो है ना जस्ट इंट्रोडक्शन होगा सब्जेक्ट का। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ एडजेसेंसी और उसमें नेबरहुड क्या होता है, कितने नेबरहुड होते हैं जो कि एक पिक्सल के, और जो कि हमारे पास किस तरह से डिजिटल पाथ फाइंड किया जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। पहले हमें सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अच्छा, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है ना बेसिकली मैनिपुलेशन है एक डिजिटल इमेजेस का, जो कि मैनिपुलेशन किस तरह से हो रही है डिजिटल इमेजेस की, जो कि डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास हम लोग जो मैनिपुलेशन कह रहे हैं इसमें बेसिकली हमारे पास एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है, और वो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम जो कि हम लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, हमारे पास हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट्स हो गई, यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है वो इन कंप्यूटर्स की बात हो रही है। तो वहाँ पर एक ऐसे सिस्टम में इनपुट भी हमारे पास इमेज होता है और आउटपुट भी हमारे पास इमेज होता है। बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पर हम लोग इनपुट देते हैं, फिर उस पर मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन जो कि हमारे मतलब कि प्रोसेसिंग हो रही है, उस प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट भी जो मिल रहा है वो एक इमेज मिल रही है जो कि एक मैनिपुलेटेड इमेज है। जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दैट द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप इज़ द एग्जांपल ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो है ना एक इमेज ले ली और उसको जो है ना हमने इन्हांसमेंट की। बेसिकली एक हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज थी जो कि इनपुट भी क्या हुआ, इमेज हुई, फिर उसके बाद आउटपुट भी क्या होगा, इमेज होगी, लेकिन वो एक इन्हांस्ड इमेज होगी, उस पर हमने प्रोसेसिंग की हुई होगी। प्रोसेसिंग में क्या कह सकते हैं कि जैसे हमने उस इमेज को क्रॉप किया होगा, उसकी कलर इंटेंसिटी को चेंज किया होगा, उसकी ब्राइटनेस को चेंज किया होगा, उसके बैकग्राउंड को मे भी हमने चेंज किया हो कि कहीं से कलर वगैरह, जो भी सारी चीज़ें बेसिकली हमने वहाँ पर जो चेंज की होंगी उसमें एडिटिंग की होगी, दैट एडिटिंग इज़ बेसिकली कॉल्ड द प्रोसेसिंग, दैट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज़ द टर्म ऑफ दिस सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये हम लोग कह रहे हैं कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो ये डिजिटल इमेज क्या है, क्योंकि प्रोसेसिंग हम लोग किस चीज़ की कर रहे हैं, डिजिटल इमेज की कर रहे हैं ना, तो डिजिटल इमेज हमारे पास क्या है। डिजिटल इमेज इज़ नथिंग मोर देन टू डायमेंशनल सिग्नल। अब मीन्स के जब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे फिर जाकर हमें पता चलेगा कि अच्छा, जो कि एक इमेज है वो हमारे पास इज़ नथिंग बट द टू डायमेंशनल सिग्नल, जिसे हम लोग कह रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक डिजिटल इमेज किसके बेसिस पर बनी हुई होती है, पिक्सल्स, जो कि उसका एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल कंपोनेंट है एक डिजिटल इमेज का। तो हर एक पिक्सल जो कि बेसिकली उनकी किस तरह से वहाँ पर जो कि डायमेंशनल और एफ ऑफ एक्स वाई, वो किस तरह से पूरी की पूरी इमेज जो है ना एक टू डायमेंशनल सिग्नल है उन पिक्सल्स की बेसिस पर। तो अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हमारे पास कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। इमेज रिकॉग्निशन हमारे पास जो है ना एक एप्लीकेशन है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, कि जिसमें क्या होता है कि पहले एक इमेज हम लोग कहें कि जिस तरह से एक इमेज प्रोसेस की जाती है, डेटाबेस में स्टोर की जाती है, फिर वो डिवाइस हमें बताती है कि अच्छा, ये जो के ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है, ये कार है, ये मोटर बाइक है, ये क्या चीज़ है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है ना उसकी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हो रही होती है। उस प्रोसेसिंग मीन्स कि ये एक डिप की एप्लीकेशन है जो कि एक इमेज रिकॉग्निशन में। अच्छा, दूसरी इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास हर्डल डिटेक्शन। हर्डल डिटेक्शन जो कि स्मार्ट ग्लासेस में यूज़ होता है, वहाँ पर क्या होता है कि एक ग्लासेस जो कि स्मार्ट ग्लासेस कहलाते हैं, उसमें आगे से एक पिक्चर कैप्चर की जाती है और उस पिक्चर के थ्रू हमें ये बताया जाता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो वहाँ पर भी जो कि स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पीपल, वहाँ पर भी हमारे पास यही काम हो रहा है कि आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जो है ना बेसिकली कैमरा के थ्रू वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, उस डिटेक्ट करने के बाद जो है ना उसको प्रोसेस कर रहा है और वो उसके मुताबिक वहाँ पर आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से काफ़ी सारी एप्लीकेशन से हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेस। दैट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल इमेज करेंगे।
जो कि हमारे पास इन कंप्यूटर सिस्टम और इन ह्यूमन आई क्यू के सेम प्रिंसिपल ही वहाँ पर फॉलो होता है।